सीतामढ़ी में फिर एक बार गोलियों से गूंजा काटा चौक। रविवार की रात काम करके लौट रहे युवक को गोली मार दी। बदमाशों ने गोली मारकर मोबाइल फोन छीन लिया। जख्मी की पहचान थाना क्षेत्र के भूप भैरव गांव निवासी शिवाजी राय के पुत्र रवि कुमार के रूप में की गई है। घटना की सूचना पर पहुंचे परिजन व दुकान के मालिक ने इलाज के लिए शहर के रिंग बांध स्थित डॉक्टर वरुण कुमार के यहां भर्ती कराया है, जहां उसका इलाज जारी है। इलाज कर रहे चिकित्सक ने बताया कि गोली जख्मी युवक के बाएं हाथ में लगी है। घटना की सूचना पर पहुंची नगर थाना की पुलिस को जख्मी युवक ने बताया कि फोर लाइन पर भगवती प्रिंटिंग प्रेस नामक दुकान में मजदूरी करता है। रोज की तरह रविवार की रात करीब 10 बजे साइकिल से दुकान से घर लौट रहा था। रास्ते में काटा चौक के समीप दो तीन बदमाशों ने साइकिल रोककर मोबाइल फोन मांगा। विरोध करने पर बाएं हाथ में गोली मारकर मोबाइल छीन लिया। नगर थाना प्रभारी राकेश कुमार ने बताया कि घटना के बाद से ही बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। साहिब रज्जा की रिपोर्ट। प्रिंटिंग प्रेस में पूर्ण कोई विवाद भी था पुलिस से प्रशासन को सूचना दिए थे किसी क्या कितने की संख्या में कर रहे क्या चीज से थे कुछ लूटपाट भी हुआ है किधर की तरफ भागा घटनास्थल कहाँ हुआ फोर लेन पे क्या नाम हुआ आपका रात में जो घटना हुआ वो आप वो गोली जो लगा वो कौन लगता है आपका बचवा है क्या नाम है उसका रवि कुमार कहाँ घर हुआ उबेर हो ये घटना जो हुआ है आपके क्या वो उसका कोई दुश्मन वगैरह था क्या दुश्मन नहीं है तो फिर कौन गोली मारा पता चला आपका क्या नाम हो गया आपका क्या नाम हो गया शिव जी राय कहाँ से जा रहा था दुकान से घर जा रहा था दुकान से घर की दूरी कितना दूर अच्छा उसी बीच में गोली चला है इसमें क्या चीज़ से जा रहा था साइकिल से अच्छा कोई छीन छपट भी किया गया है मोबाइल छीन छपट हुआ है ना कैसे गोली कहाँ लगा इसका क्या स्थिति है कल रात में 11:15 बजे गोली लगा हुआ पेशेंट आया था रवि कुमार नाम से उसके लिए बाएं हाथ के कंधे में गोली लगी हुई थी और वो चेस्ट में जाकर के फंसा हुआ था रात में ही ऑपरेशन कर दिया गया था पेशेंट को